आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप अप चॉपर पे। स्टेप अप चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो या तो जो है इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होता है या फिर इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। अब कैसे होता है और इसका जो सर्किट होता है वो किस तरह से होता है, चलिए एक बार देख लेते हैं। तो यहां पे जो है इसका जो सर्किट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि यहां पे जो है हम इनपुट के तौर पे डीसी सप्लाई करते हैं और यहां पे एक इंडक्टर एल लगा होता है और यहां पे देखें तो एक चॉपर लगा हुआ है और यहां पे देखें तो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड लगा हुआ है और यहां पे ये लगा हुआ है लोड। हम यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज लेते हैं वो हम जो है इसी लोड के ही एक्रॉस लेते हैं और यहां पे ये जो आपको लोड दिख रहा है इसके थ्रू करंट का भी फ्लो होता है जिसे कि हम जो है लोड करंट कहते हैं और जो है हम इन सबके लिए यहां पे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए जो है ये रहा ग्राफ। यहां पे ये जो स्टेप अप चॉपर होता है ये दो मोड में वर्क करता है, तो एक बार देख लेते हैं कि वो मोड कौन कौन से हैं। तो पहला मोड ये है कि यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑन रहेगा तो किस तरह का सिचुएशन बनेगा, मतलब ये जो सर्किट है ये किस तरह का बिहेव करेगा। और दूसरा मोड ये है कि जब चॉपर ऑफ रहेगा तब यहां पे ये जो सर्किट है ये किस तरह का बिहेव करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पहला मोड है इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले ये जो आपको पहला मोड दिख रहा है हम इस पे बात करेंगे। तो यहां पे जब ये चॉपर जो है ये ऑन रहेगा तो हम क्या करते हैं कि हम यहां पे ये जो चॉपर है इसे कर देते हैं ऑन। तो यहां पे जब ये चॉपर ऑन रहेगा तो देखिए करंट किस तरह से फ्लो करेगा। सो करंट जो है यहां से ये साइड तो पॉजिटिव है और ये साइड जो है ये नेगेटिव है। तो यहां पे करंट जो है करंट यहां पे जो है कुछ इस तरह से फ्लो करता है। चलिए यहां पे ये जो इंडक्टर है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो कर रहा है हो रहा है उसे नाम दे देते हैं, ये है आई एस। तो यहां पे करंट जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। करंट यहां से जो है इसमें इस सर्किट में या कहें इस लूप में जो है यहां पे फ्लो नहीं कर रहा है। तो सारा करंट जो है वो यहां पे इस तरह से फ्लो कर रहा है। अब करंट जब यहां पे फ्लो करता है तो होता यह है कि ये जो इंडक्टर है इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है जिसका कि ये साइड पॉजिटिव होता है और यहां पे ये जो साइड है ये नेगेटिव होता है। सो करंट यहां पे धीरे धीरे बढ़ता है और ये जो इंडक्टर है ये अपने अंदर जो है एनर्जी को जो है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को जो है ये स्टोर करता है। तो करंट यहां पर जो है इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहां पर जो है करंट यहां पर जो है करंट कुछ इस तरह से यहां पर बढ़ता है और कुछ देर बाद ये पहुंच जाता है मैक्सिमम वैल्यू पे। मान लेते हैं कि यहां पे ये जो करंट है ये है आई टू और यहां पे ये जो करंट है मिनिमम करंट था वो था आई आई वन। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे ये जो लोड है इसके थ्रू जो है कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो यहां पे जो लोड करंट है वो जीरो होगा और जब लोड करंट जीरो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी जीरो होगा। So, यहां पे जो लोड करंट है वो भी जीरो होगा और आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी यहां पे जीरो होगा जितनी देर तक ये जो चॉपर है ये ऑन रहेगा। तो यहां पे जो लोड करंट है वो भी जीरो रहा और यहां पे आउटपुट वोल्टेज भी जीरो रहा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑन रहेगा तो उस केस में यहां पे जो जो आउटपुट वोल्टेज है वो तो जीरो होगा, आउटपुट वोल्टेज जीरो होगा जब चॉपर ऑन रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पे इस इंडक्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही बराबर होगा इस इनपुट वोल्टेज वीएस के, मतलब इंडक्टर के एक्रॉस जो वोल्टेज है वो बराबर है इनपुट वोल्टेज के। सो हम यहां पे लिख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि यहां पर यह जो इंडक्टर है इसके एक्रॉस का जो वोल्टेज है वो है वीएल वीएल, तो ये बराबर होगा इस केस में जब चॉपर जो है यहां पर ऑन रहेगा तो ये बराबर होगा वीएस के। तो ये हो गया मोड फर्स्ट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम यहां पे ये देखेंगे कि ये जो मोड सेकंड है इसमें ये जो सर्किट है ये किस तरह का बिहेव करता है। सो अब देख लेते हैं कि यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑफ रहता है तब क्या होता है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे ये जो चॉपर है इसे कर दिया यहां से ऑफ। अब जैसे हम चॉपर को ऑफ करेंगे तो यहां पर ये जो करंट का फ्लो रहा है ये बंद हो जाएगा क्योंकि यहां पर देखे तो सर्किट जो है ये खुला है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। सो यहां पर ये जो करंट है ये अब यहां पर फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पर करंट जो है अब जो है यहां पर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा और साथ ही साथ देखें तो ये चॉपर है ये जब यहां पे ऑफ होगा तो यहां पे ये जो इंडक्टर है ये अपना पोलैरिटी को बदल लेगा। सो अब यहां पे ये जो है ये साइड हो जाएगा अब जो है पॉजिटिव और यहां पे ये जो साइड है ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पे इंडक्टर ने अपना पोलैरिटी को क्या किया, बदल लिया है। तो यहां पे जब इंडक्टर पोलैरिटी को बदलेगा तो यहां पे जो करंट है देखें वो करंट जो है यहां पे कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। सो करंट का जो पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा,
करंट अब यहां से जो है इस तरह से यहां पे फ्लो करेगा। और इस केस में यहां पे ये जो इंडक्टर है, ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को अब रिलीज करेगा। देखिए जब चॉपर ऑन था तो इसने क्या किया था, इस इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था। अब जब यहां पे चॉपर ऑफ होगा तो यहां पे ये जो है ये एनर्जी को रिलीज करेगा और करंट जो है यहां पे घटेगा। तो करंट यहां पे इस केस में जो है करंट यहां पे घटता है। और साथ ही साथ देखें तो यहां पे अब यहां पे जो है लोड के थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो लोड के करंट फ्लो कर रहा है, इस लोड के थ्रू जो करंट का फ्लो हो रहा है जिसे कि हम लोड करंट कहते हैं वो है आई नॉट। और यहां पे जब लोड के थ्रू करंट का फ्लो होगा तो आउटपुट वोल्टेज यहां पे इस केस में जीरो नहीं होगा। तो यहां पे अभी हमें जो है करंट मिलेगा लोड करंट, और यहां पे देखें तो ये जो लोड करंट है वही होगा सोर्स करंट, या कहें यहां से देखें करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है, सो सोर्स करंट जो है वही होगा लोड करंट हम कह सकते हैं। तो यहां पे जो है सेम ग्राफ, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है यही ग्राफ जो है यहां पे भी बनने वाला है। तो यहां पे जो है हम लोड करंट के लिए सेम जो है ग्राफ यहां पे बनाएंगे। तो यहां पे जो है इसके लिए ये रहा ग्राफ। तो यहां पे ये जो है ये होगा आई वन, सो यहां पे देखें तो ये होगा आई टू और यहां पे ये होगा आई वन। तो मैं यहां बता दूं आपको कि यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम है ये है टी ऑन, सो टी ऑन, और साथ ही साथ देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है ये है टी ऑफ, टी ऑफ। तो यहां पे देखें जब चॉपर यहां पे जो है ऑफ है, तो चॉपर जब यहां पे ऑफ है तो यहां पे ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो देखें अगर किरचॉफ्स वोल्टेज ला से, तो ये आउटपुट वोल्टेज होगा, ये आउटपुट वोल्टेज बराबर होगा इनपुट वोल्टेज जो कि है वीएस प्लस यहां पे ये जो इंडक्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे ये जो इंडक्टर है इसके क्रॉस का जो वोल्टेज है वो है वीएल, तो यहां पे इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बराबर होगा इनपुट वोल्टेज प्लस इंडक्टर के क्रॉस का जो वोल्टेज है वो। तो इस केस में जब चॉपर यहां पे ऑफ है तो हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो कुछ इतना मिलेगा। और यहीं से ये क्लियर हो जाता है एक चीज की जो आउटपुट वोल्टेज है, देखिए ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो ज्यादा है इनपुट वोल्टेज से, कितना ज्यादा है ये जो इंडक्टर में वोल्टेज है वो उतना ज्यादा है। तो यहां से ये क्लियर है कि आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा और ये जो सर्किट है ये स्टेप अप चॉपर की तरह बिहेव कर रहा है। और यहां से हम ये देख सकते हैं कि ये जो इंडक्टर है जब चॉपर ऑफ है तो ये जो इंडक्टर है इसके जो अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा वी नॉट जो कि आउटपुट वोल्टेज है माइनस वी एस के। सो यहां पे इस केस में जब चॉपर यहां पे जो है ऑफ है तो इंडक्टर में जो वोल्टेज है वो कुछ इतना है। तो यहां पे ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहां पे देखें तो वो कुछ इतना है जब चॉपर यहां पे ऑफ रहेगा। अब यहां पे जो है जब हम चॉपर को जो है यहां पे फिर से ऑन करेंगे तो यहां पे ये जो प्रोसेस है ये फिर से रिपीट होगा। यहां पे करंट बढ़ के हो जाएगा आई टू और यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज है यहां पे हमें मिलेगा इस केस में जीरो, और साथ ही साथ यहां पे जो करंट है ये भी होगा जीरो। और यहां पे जब यहां पे ये जो चॉपर है इसे हम फिर से ऑफ करेंगे तो यहां पे जो करंट है वो कुछ घट के इतना हो जाएगा और यहां पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो यहां पे देखें तो वो कुछ जो है यहां पे फिर हमें इतना मिलेगा। और साथ ही साथ जो करंट के लिए ग्राफ बनेगा, मतलब यहां पे ये जो लोड करंट है उसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ यहां पे पहले वाला ही ग्राफ बनेगा। तो यहां पे लोड करंट का लिए जो ग्राफ है वो कुछ यहां पे इस तरह से फिर हमें मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है ये यहां पे लगातार रिपीट होता है। तो अब देख लेते हैं कि यहां पे ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा। तो देखिए यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑन था तो उस समय ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को जो है ये स्टोर कर रहा था। तो जब चॉपर ऑन था तो उस समय यहां पे ये जो इंडक्टर है ये कितना एनर्जी को स्टोर किया था। तो यहां पे एनर्जी ड्यूरिंग टी ऑन, तो यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑन था तो उस समय ये इंडक्टर जो है ये कितना एनर्जी को स्टोर किया। तो चलिए यहां पे ये एनर्जी को स्टोर किया इसे हम डिनोट करते हैं ईवन से। तो ये जो ईवन है ये बराबर होगा यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, चलिए हम उसे नाम दे देते हैं ये है वी एल, सो इंडक्टर के अक्रॉस ये हो गया वोल्टेज इनटू एवरेज करंट। तो यहां पे हमने ये मान लिया कि जो एवरेज करंट है वो हमने मान लिया वो है आई, तो यहां पे एवरेज करंट को हमने मान लिया कि ये है आई। तो यहां पे हो गया एवरेज करंट, ये हो गया एवरेज करंट, और यहां पे इनटू यहां पे ये जो है जितनी देर तक ये ऑन रहा चॉपर। तो अब देखें
जब ये चॉपर ऑन था तो उस समय ये जो इंडक्टर है इसके क्रॉस जो वोल्टेज था वो था वी एस के बराबर। तो यहां पे हम लिखेंगे अभी वी एस, तो वी एल के जगह पे हमने लिख दिया वी एस इंटू, ये क्या है, ये तो एवरेज करंट है, और एवरेज करंट को देखें तो ये बराबर होगा किसके, तो यहां पे ये हो जाएगा आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाय, ये हो गया डिवाइडेड बाय में ये हो गया टू के, तो ये हो गया इतना एवरेज करंट, और यहां पे ये होगा टी ऑन। तो यहां पे जो है इंडक्टर ने जो है इतना एनर्जी को जो है यहां पे स्टोर किया, कब, जब यहां पे ये जो चॉपर है ये ऑन रहा तब। तो अब यहां पे जब चॉपर जो है ऑफ होता है, ये जो चॉपर है ये जब ऑफ किया जाता है तो उस समय ये जो इंडक्टर है ये एनर्जी को रिलीज करता है। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो इंडक्टर है ये कितना एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी एनर्जी ड्यूरिंग ड्यूरिंग टी ऑफ, तो उस समय चलिए हम डिनोट करते हैं कि ये जो इंडक्टर एनर्जी को रिलीज करेगा उसे हम डिनोट करते हैं कि ये है ई टू, तो ये हो गया यहां पे ई टू, ये बराबर होगा यहां पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी एल, और यहां पे ये होगा एवरेज करंट आई, और जितनी देर तक ये जो चॉपर है ये ऑफ रहा वो इनटू के रूप में, सो यहां पे इनटू है। अब देखिए, अब यहां पे ये जो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, देखिए जब यहां पे ये जो चॉपर है ये जब ऑफ था तो यहां पे देखिए इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी एल है वो बराबर है वी नॉट माइनस वी एस के, तो हम यहां पे वी एल की जगह पे लिख सकते हैं वी नॉट माइनस वी एस, तो यहां पे हो जाएगा वी नॉट माइनस वी एस, और यहां पे होगा एवरेज करंट जो कि यहां पे है आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाय टू, तो यहां पे हो गया आई वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाय टू, और यहां पे ये जो है जितनी देर तक ये चॉपर ऑफ रहा सो वो हो गया। तो यहां पे ये हो गया यहां पे एनर्जी रिलीज्ड बाय इंडक्टर, मतलब जब चॉपर ऑफ होगा तो इतना एनर्जी को जो है ये इंडक्टर रिलीज करता है। तो यहां पे हम ये मान रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये जो आपको पूरा सिस्टम दिख रहा है ये लॉसलेस है, तो यहां पे जो है अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जितना ये इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा वही एनर्जी जो है ये इंडक्टर रिलीज करेगा। तो यहां पे जो है ये जो इवन होगा, सो यहां पे ये जो इवन होगा उस केस में ये बराबर होगा ई टू के, तो मैं यहां लिख दूं सबसे पहले कि कंसिडरिंग Considering, considering the system, system to be lossless. So उस केस में even बराबर होगा E2 के, मतलब यह है कि जितना इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा उतना ही यहां पे रिलीज करेगा। हम मान रहे हैं कि सिस्टम लॉसलेस है, तो यहां पे जो है हम अभी इन दोनों का वैल्यू को पुट करेंगे और जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इवन की जगह पे जो है हम ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, तो हम जो है यहीं से कर लेते हैं इसे कॉपी, तो मैं अभी जो है यहां से इसे कर ले रहा हूं कॉपी, सो हमने इसे कर लिया यहां पे कॉपी। और अगर आप देखें तो यहां पर ये जो आपको ई टू का वैल्यू है उसे भी हम यहां से कर लेंगे अभी हम उसे भी यहां से कर लेंगे कॉपी, और यहां पे जो है हम इसे पेस्ट कर देंगे, और बीच में जो है हम यहां पे लगाएंगे इक्वल का साइन, और हम इसे जो है थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां पे जितना इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया है उतना ही देखें तो यहां पे रिलीज किया है, और हमने जो है इसे बराबर किया है, इसलिए किया है क्योंकि एनर्जी जो है ये जो है लॉस नहीं हो रहा है। तो अब देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है I1 वन प्लस आई टू डिवाइडेड बाई टू, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो हो जाएगा यहां पे कैंसिल, सो ये हो गया यहां पे कैंसिल, और बचा क्या, बचा रहा यहां पे देखें तो बचा रहा यहां पे वी एस वी एस, और यहां पे टी ऑन इक्वल टू यहां पे वी नॉट माइनस वी एस, और यहां पे ये टी ऑफ, सो यहां पे ये जो है ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे इस टी ऑफ का इस ब्रैकेट के अंदर, सो वी एस टी ऑन इक्वल टू ये हो जाएगा वी नॉट टी ऑफ इनटू में
तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस वी एस और यहाँ पे ये हो जाएगा इनटू के तौर पे टी ऑफ। हम क्या पता कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। सो यहाँ पे ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे देखें तो ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा ये होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ से कि ये जो वी नॉट और यहाँ पे ये होगा टी ऑफ, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ पे वी एस टी ऑन प्लस वी एस टी ऑफ। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे ये जो टर्म है उसे जो है हम इस साइड लाए हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लिख सकते हैं वी नॉट टी ऑफ बराबर, यहां पे देखें तो वी एस जो है यहां पे कॉमन आउट हो जाएगा, सो वी एस कॉमन आउट हो गया और बचा क्या, बचा रहा है ये टी ऑन प्लस प्लस टी ऑफ टी ऑफ। तो यहां पे अगर आप देखें तो टी ऑन प्लस टी ऑफ ये क्या होता है, ये होता है टाइम पीरियड। तो यहां पे अगर देखें तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो टाइम है इसी को कहते हैं हम टाइम पीरियड, तो हम इसे डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। तो यहां पे हम इसके जगह पे लिख सकते हैं टी, सो वी नॉट टी ऑफ बराबर वी एस और यहां पे हम लिख देंगे कैपिटल टी जो कि है टाइम पीरियड, और यहां से हम लिख सकते हैं वी नॉट जो कि है यहां पे आउटपुट वोल्टेज, ये बराबर होगा वी एस डिवाइडेड बाय यहां पे हम लिख सकते हैं टी और फिर यहां पे हम लिखेंगे टी ऑफ, तो यहां पे होगा ये टी ऑफ। और इसी को हम थोड़ा सजा के कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा वी एस और यहां पे हम लिख सकते हैं टी डिवाइडेड बाय टी, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये हो गया टी ऑफ। अब क्या है देखें, अब यहां पे देखें यहां से देखें आप, तो ये जो आपको टी ऑन प्लस टी ऑफ दिख रहा है ये वाला टर्म आपको जो दिख रहा है यहां पे टी ऑन प्लस टी ऑफ ये बराबर हो रहा है टी के कैपिटल टी से जो कि है टाइम पीरियड। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो टी ऑफ होगा ये बराबर होगा टी माइनस टी ऑन के, हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो देखे बराबर होगा आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे होगा टाइम पीरियड टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस टी ऑन के। अब क्या देखें, अब हम जो है यहाँ पे ऊपर और नीचे टी से डिवाइड करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे टी से डिवाइड करेंगे तो ये टी और ये टी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन, और जब हम यहाँ पे टी से डिवाइड करेंगे तो ये टी और इस टी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा वन, और यहाँ पे हम जब टी से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा बल्कि हमें यहाँ पे मिलेगा टी ऑन डिवाइडेड बाई टी। तो हम जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो है हम इन सब वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं, तो हमें यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वी नॉट ये बराबर होगा यहाँ पे वी एस, वी एस यहाँ पे होगा वन, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस टी ऑन डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी। तो यहाँ पे ये जो टी ऑन डिवाइडेड बाई टी आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल, तो हम ड्यूटी साइकिल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज होगा, सो आउटपुट वोल्टेज जो होगा यहाँ पे ये बराबर होगा इनपुट वोल्टेज इंटू वन अपॉन वन माइनस अल्फा के, जिसे कि हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे ये हमें मिला कुछ इतना एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अल्फा होता है इसका जो वैल्यू होता है, ये अल्फा का जो वैल्यू होता है ये या तो बराबर होता है या फिर लेस होता है, मतलब कम होता है वन से, और ये जो है ये जीरो के या तो बराबर होगा या फिर यहाँ पे जीरो से ज्यादा होगा। सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू है अल्फा का वो जीरो के बराबर भी हो सकता है और जीरो से ज्यादा भी होता है, और ये जो है ये वन से भी कम हो सकता है और वन के बराबर होता है। तो ये होता है अल्फा का वैल्यू, जिसे कि हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, और यही ड्यूटी साइकिल ये डिसाइड करके देगा कि यहाँ पे ये जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो कितना होगा। तो अगर हम यहां पे ये जो चॉपर है इसे 2 सेकंड ऑन रखते हैं और 2 सेकंड ऑफ रखते हैं, तो हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, तो उस केस में जो ड्यूटी साइकिल होता है ये अल्फा ड्यूटी साइकिल, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1/2 हाफ, और जब हम इस अल्फा का वैल्यू यहां पे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमें यहां पे मिलेगा कि ये जो आउटपुट वोल्टेज होगा ये हमें मिलेगा, ये होगा 2 × Vs, मतलब इनपुट वोल्टेज का हमें जो है दुगुना आउटपुट वोल्टेज मिलता है जब हम यहां पे अल्फा का वैल्यू
एक बटा दो रखते हैं। सो अल्फा ये जो ड्यूटी साइकिल है इसके वैल्यू को आप चेंज करें तो यहां पे की जो आउटपुट वोल्टेज है ये भी चेंज होता है। तो हम अल्फा से ही जो है आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल कर लेते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए